नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। उड्डा सेक्टर 20 के 3 या 4 दिनों से यहां पे जो है पानी की मोटरें हैं, किसी के घर का सिलेंडर चोरी हो जाता है तो टाइप के जो लोग हैं, शरारती तत्व हैं, वो यहाँ पे शाम को घूमते हैं। और कॉलोनी के लोगों का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से गश्त नहीं करती। पुलिस उस समय आती है, यानी कि शाम को जब 6 या 7 बजे लोग जो वॉक करते हैं या तब पुलिस आती है, लेकिन रात को यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती, जिसके कारण यहाँ लगातार चोरियाँ हैं वो बढ़ती जा रही है। रात भी जो है 2 घरों की जो पानी की मोटरें हैं वो चोरी हुई हैं, एक सिलेंडर है वो भी चोरी हुआ है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में जो है पूरी कहानी नज़र आई, पूरी वारदात की वीडियो है वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ कॉलोनी के जो लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कि रात को किस तरह का वाकया हुआ, क्या क्या चोरी हुई, क्या कहना चाहेंगे जी? कल शाम को 8:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ, उसके बाद सुबह मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया फ़ोन करके भी आपका यहाँ ताला टूटा हुआ है और एक मेरी मोटर और एक ग्राइंडर और 2 तार थी 40 फुट की, वो लेके गए हैं जी। तो इससे पहले भी यहाँ पे इस इलाके में चोरियाँ होती रही हैं, कि कौन लोग हो सकते हैं जो चोरी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो क्या बताएं, पर चोरी होती रही हैं। हमें पहले भी हमारे यहाँ पड़ोस में इनके भी जो पीछे वाला मकान बन रहा था उसमें भी जब ये मकान बन रहा था मोटर की चोरी हुई थी, और वो तो दोपहर में हुई थी, बिल्कुल 3 बजे के दिन में जी। जी धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इस इलाके में लगातार जो चोरियां हो रही हैं उसको लेकर? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है, मोटरें तो जो न्यू घर बन रहे हैं सारों की उठाई जाती है जी। हमारी भी उठाई गई थी जब ये मकान बना था जी। तो यहाँ पे दिन के टाइम तो पुलिस आती ही नहीं, शाम के टाइम आती है गश्त करने के लिए। दिन के टाइम यहाँ बहुत सुनसान होता है जी। तो इसी टाइम वो देख जाते हैं, रात के टाइम वो चोरी कर जाते हैं। 11 बजे तक तो हम रोड पे राउंड लगा रहे थे, तब तक कुछ नहीं था। जैसे हम सुबह गए भाई साहब के यहाँ तो ताला टूटा हुआ था, सिलेंडर और वो मोटर की पाइप पे ये टायर सारा कुछ ले जा चुके थे चोर। भाई साहब को फोन करें। रात को पुलिस यहाँ पे गश्त करती है, रात को आपको लगता है कि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं? नहीं, रात को नहीं आती बिल्कुल भी जी। दिन में ही आती है। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को कि यहाँ पे गश्त होनी चाहिए, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ लाइटिंग सारी रात नहीं थी, स्ट्रीट लाइट, तो इसको उड्डा को कहना चाहिए ठीक करवाएं यहाँ पे, सोलर का कुछ करे भी, लाइटें रात को चस्ती रहे। तो यहाँ बिल्कुल ही गंदा, या देखो आस पड़ोस में पूरी गंदगी फैली हुई है, इनको थोड़ा साफ करें। चोर यहाँ आके बैठ जाते हैं, लुक जाते हैं, कोई देखते हैं तो। सीधे तौर पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हुड्डा सेक्टर का ये जो पार्ट 3 है, यहाँ पे जो रिहायशी इलाका है उसके साथ जो है पूरा जो है सुनसान इलाका है, यानी कि एक जंगल नुमा जो है हालात यहाँ पे है हुड्डा सेक्टर जो पार्ट 3 में, जहाँ पे जो लोग शरारती तत्व है वो घूमते रहते हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे एक जो है मर्डर का मामला भी सामने आया था, गाड़ी में एक लड़के की लाश मिली। वही इलाका है, उसी इलाके जहाँ पे लगातार अब चोरियाँ बढ़ रही हैं। 6:30 बजे यहाँ गए तो मोटर थी, लेकिन सुबह 8:15 बजे आके देखा तो ताला टूटा हुआ था, कुंडा लगा हुआ था एज इट इज, और अंदर मोटर और तार थी जो 80 फुट लंबी मोटर लगाने के लिए, वो नहीं थी जी। तो क्या कहना चाहेंगी, कौन लोग हो सकते हैं और जो है पुलिस प्रशासन है वो किस तरह कार्रवाई कर रहा है, शिकायत दी गई है? अब ये तो क्या कह सकते हैं कि कौन हो सकता है, ये हो सकता है कि दिन में सुबह सुबह 1-2 बार हमने कुछ रद्दी वाले जैसे रेडी लेके घूमते हैं वो भी थे, या फिर कोई नशा करता है वो भी हो सकता है। हम लोग तो अभी शुरू ही कर रहे हैं और हमें यहाँ का पता ही नहीं है। सुना है कि यहाँ मोटर्स चोरी हुई है काफी लोगों की अभी। हाँ जी, दिन में सिलेंडर भी हुआ है चोरी। धन्यवाद। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन कॉलोनी वासियों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। और हमारी भी आपसे अपील है कि पुलिस प्रशासन भी इस कॉलोनी को लेकर के जो है संजीदा हो, क्योंकि लगातार हमने फ़ोन पे भी यहाँ के जो SHO है सिविल लाइन के विक्रम सिंह, उन्होंने से भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई जाएगी रात को, दिन के वक्त जो है पुलिस पेट्रोलिंग करती है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि रात को भी पुलिस आती है, लेकिन कॉलोनी के लोग ये कहते हैं कि रात को पुलिस नहीं आती है। तो SHO ने कहा है कि इसके बाद जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई जाएगी, और कुछ जो है यहाँ जो लोग मकान बना रहे हैं कुछ उन लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि यहाँ पे उनका भी कंस्ट्रक्शन का सम्मान होता है और पुलिस अपनी ड्यूटी है वो सही ढंग से करेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और कहा है कि वो जल्द ही जो ये जो चोरी हुआ सामान है वो इन लोगों को बरामद करवा करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।